नमस्कार। बहुसांस्कृतिकता एक परिचय भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 2 सत्रों की चर्चा की। बहुसांस्कृतिकता को हमने जैसे बताया कि 3 भागों में बांटा है। इससे 2 पहले के सत्रों में हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद एवं अनुवादक अनुवादिका की भूमिका, जिसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण भूमिकाओं की हम चर्चा करेंगे। राजकीय साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान का साधन अनुवाद। तो इन दोनों विषय में आज इस सत्र में चर्चा की जाएगी और हम जानेंगे कि संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के साधन में किस प्रकार अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ज्ञान को मुक्त करने के संदर्भ में, समतावादी समाज की स्थापना के संदर्भ में, अल्पसंख्यक तथा दमित समाज को आवाज़ देने के संदर्भ में और साहित्य के पुनर्जीवन के संदर्भ में। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जानेंगे बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद तथा अनुवादक अनुवादिका की क्या उपयोगिता है, अनुवाद किस प्रकार समतावादी समाज की स्थापना में सहायक होता है, अनुवाद किस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों तथा भाषाओं के बीच संवाद का कार्य करता है, बहुसांस्कृतिक समाज में राजकीय कार्यों आदि में अनुवाद की क्या भूमिका है और बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद साहित्य को व्यापक परिदृश्य से जोड़ने का कार्य करता है। इस विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है, जिसमें से पहले में हमने चर्चा की थी बहुसांस्कृतिकता क्या है, बहुसांस्कृतिक समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं, बहुसांस्कृतिकता संबंधी विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। दूसरे सत्र में हमने चर्चा की थी कि मानव जीवन को देखने के एक नज़रिए के तौर पर बहुसंस्कृतिवाद क्या है, बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, और इस तीसरे सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवादक की भूमिका या अनुवाद और अनुवादक अनुवादिका की भूमिका, जिसमें हम 2 महत्वपूर्ण भूमिकाओं की चर्चा करेंगे, राजकीय साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के साधन के रूप में अनुवाद। अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार बहुसांस्कृतिक समाजों में अनुवाद की भूमिका को देखा जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी समाज जो अपने आप में बहुसांस्कृतिक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही बहुभाषिक भी हो जाता है। जैसे यदि भारत की ही बात करें तो भारत में विभिन्न संस्कृतियों के साथ विभिन्न भाषाओं का भी अस्तित्व है। हम जानते हैं कि भारत में एक साथ न जाने कितनी ही भाषाएं बोली जाती है, और कहा जाता है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर वाणी, यानी कि इतना विविधता हमारे यहाँ देखने को मिलती है कि ना केवल भाषाई स्तर पर बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी ये विविधता देखने को मिलती है। अब इस बहुसांस्कृतिक समाज में जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न भाषाएँ हैं, उनके बीच संवाद का जो एक कारण है या संवाद का जो एक सेतु है या जिसके माध्यम से इन संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित होता है, वह अनुवाद ही है। तो इसी अनुवाद को हम जब बहुसांस्कृतिक समाज और खासतौर पर केवल भारतीय समाज न देखकर हम यदि विभिन्न समाजों की तुलना के संदर्भ में भी देखें तो किस प्रकार अनुवाद या अनुवाद क्या और अनुवादिका अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और किस प्रकार अनुवाद वह कड़ी बन जाता है जिसके माध्यम से बहुसांस्कृतिकता जैसी अवधारणा वास्तव में अपना आकार ग्रहण कर पाती है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में संवाद का माध्यम अनुवाद ही है। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में जहां लगभग सभी राष्ट्रों के भीतर अप्रवासन और उत्प्रवासन बढ़ता चला जा रहा है तथा अलग अलग जीवन मूल्य और जीवन पद्धतियाँ एक दूसरे के निकट बसने को बाध्य हैं, अनुवाद की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है, और इसीलिए अनुवादक की भूमिका आज बेहद उत्तरदायित्वपूर्ण भी है। जब भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग एक ही समाज में रह रहे हों, तब अनुवाद कार्य 2 स्तरों पर अत्यंत उपयोगी ठहरता है। पहला, प्रशासनिक स्तर पर, जहां बहुसंस्कृतिवाद की नीति के चलते कई राजकीय दस्तावेजों को अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है, और यह हम अगर उदाहरण के रूप में समझें तो भारतीय समाज के संदर्भ में इसे बेहतर समझा जा सकता है। और दूसरा, सामाजिक स्तर पर, जहां संस्कृतियों के बीच के आदान प्रदान तथा अंतरंग परिचय के एक साधन के तौर पर अनुवाद की भूमिका सामने आती है। तो ये दोनों ही भूमिकाएं किसी भी बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी हैं, और हम इसे इस सत्र में हम कोशिश करेंगे कि जो उदाहरण है वे हम भारतीय संदर्भ में अधिक से कुछ देखने का प्रयास करें, क्योंकि हम इसके अगले सत्रों में हम बहुसांस्कृतिकता को वैश्विक संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वैश्विक संदर्भ में बहुसांस्कृतिकता के क्या मायने हैं और अनुवाद की भूमिका वहाँ किस तरीके से है। तो बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद और अनुवादिका की भूमिका, पहला जैसे हमने कहा राजकीय साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद यानी प्रशासनिक साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद, और दूसरा संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के साधन के रूप में अनुवाद। राजकीय साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद यानी कि प्रशासनिक साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, हम जानते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों विभिन्न राज्यों के साथ या विभिन्न भाषाओं का भी अस्तित्व है।
प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजभाषा है जिसके अंतर्गत उस राज्य का जो प्रशासनिक कार्य है वे सब चलता है। तो ऐसे स्थिति में और उसके साथ जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी को एक सहभाषा के रूप में भी बराबर स्थान दिया गया है, तो बहुत हद तक जो कार्य है राजकीय स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं वे अंग्रेज़ी के साथ साथ अपनी राजभाषाओं में किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार जब अनुवाद की हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ी में कार्य होने के कारण और उन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने की ज़रूरत के हिसाब से अनुवाद की भूमिका बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि बैंकिंग साहित्य जो हमारा है वह भी अंग्रेज़ी के साथ हमारी भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो बैंकिंग के संदर्भ में हो, कार्यालयी साहित्य के संदर्भ में हो, विधि साहित्य के संदर्भ में हो, मीडिया संबंधित साहित्य हो, या जितने भी अलग जो क्षेत्र है प्रशासनिक साहित्य के, उन सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अनुवाद की जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जब हम देखते हैं कि विधि साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है लगभग अंग्रेज़ी भाषा में किया जाता है, लेकिन आम जन के क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आम जन का सीधा संबंध उससे होता है, तो अधिक कोशिश की जाती है कि विधि साहित्य का जो 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 कार्य प्रणाली है उसे हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाए, या उनकी जो विभिन्न जो राजभाषाएं हैं जो उन राष्ट्र जो अपने क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हें उस भाषा में भी उस साहित्य की उपलब्धता हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब कोई बहु सांस्कृतिक या बहुभाषाई एक राष्ट्र है या कोई बहुसांस्कृतिक समाज है, तो वहाँ यदि हम विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समाजों या विभिन्न आस्थाओं, विभिन्न मान्यताओं को यदि हम समान स्थान देते हैं, तो उसके साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन भाषाओं या उन समाजों का जो प्रतिबिंबन है वो उसकी कार्यशैली में भी दिखाई दे, और वो कार्यशैली दोनों ही स्तरों पर देखी जा सकती है। यानी पहला जिसको हम प्रशासनिक स्तर पर देखने की बात करते हैं, यदि हम इन सभी समाजों की ज़रूरतों को केंद्र में रखना चाहते हैं या उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि उनका प्रतिबिंबन हो, उनका रिफ्लेक्शन समाज में हो, और उनकी सुविधा के लिए वह साहित्य उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो, जिसे हम इस खास संदर्भ में समझने का कोशिश करें। जैसे हम जिस ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में हम इसे जानते हैं, चाहे वह पाठ्यपुस्तकों के लेखन का कार्य हो, चाहे वे इस तरह के प्रशासनिक क्षेत्रों का कार्य हो जिसमें हम बैंकिंग साहित्य की चर्चा कर सकते हैं, कार्यालयी साहित्य की चर्चा कर सकते हैं, विधि साहित्य की चर्चा कर सकते हैं। हमने पहले सत्र में ये भी जाना कि मीडिया के जो विभिन्न माध्यम है उसमें भी एक प्रयास किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की जो भाषाएँ हैं उनकी भाषाओं में उन तक जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। और हम देखते हैं कि भारत में भी एक साथ कई सारी भाषाओं में न केवल समाचार पत्र आते हैं बल्कि न्यूज़ चैनल्स भी हैं, बल्कि इंटरनेट पर विभिन्न भाषाएं उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र या बहुभाषिक राष्ट्र की जब हम संकल्पना करते हैं, तो उनकी संकल्पना केवल कोरी संकल्पना नहीं हो सकती, उसे ज़मीनी स्तर पर उतारे जाने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और वह तभी संभव है जब उससे जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो कार्य संबंधी क्षेत्र हैं, जो ज्ञान संबंधी क्षेत्र हैं, जो साहित्य संबंधी क्षेत्र हैं, जो विभिन्न जहां उनका आचार व्यवहार होता है, उन सभी क्षेत्रों में उनके उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी संस्कृति न किसी रूप से रिफ्लेक्ट होनी आवश्यक है। और हम भारत के संदर्भ में इसे विशेष रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में न केवल अंग्रेज़ी में साहित्य उपलब्ध होता है बल्कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उस साहित्य को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, ताकि आम जन तक वे भाषा पहुंच सके और संवाद का जो ये जो तंत्र है ये कहीं भी बाधित ना हो पाए। उसी तरीके से हम देखते हैं कि संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के साधन के रूप में अनुवाद किस प्रकार काम करता है। कोई भी बहुसांस्कृतिक राष्ट्र जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ निवास करती हैं, और जब हम खासतौर पर बहुसंस्कृतिवाद की बात करते हैं जहाँ वे एक राजनीतिक विचार के रूप में बहुसंस्कृतिवाद एक विचार के रूप में, और यदि हम भारत की बात करें तो बहुसांस्कृतिकता हमारी एक तरह से कहा जाए कि बुनावट में है, सांस्कृतिक सामाजिक सभ्यता का बुनावट में ही बहुसांस्कृतिकता है। लेकिन बहुसांस्कृतिकता या बहुसांस्कृतिकवाद हमारे यहाँ एक राजनीतिक विचार के रूप में भी है, क्योंकि हमारे पूरी जो एक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सभी जगह विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं आदि को समान रूप से स्थान दिया गया है, जिसका कि रिफ्लेक्शन या जिसका कि जिसकी एक छाया या प्रतिछाया हम कह सकते हैं वह हमारी कार्यप्रणाली में भी देखने को मिलती है। उसी तरीके से जब हम सांस्कृतिक रूप से जब हम बात करते हैं बहुसांस्कृतिक समाज में सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, उसे भी यह समझे जाने की आवश्यकता है कि जब कोई राष्ट्र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र होता है तो उसका साहित्य किस प्रकार वहाँ के समाज को समावेशी समाज बनाने का प्रयास करता है, वहाँ के समाज को
अधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास करता है, और वह किस तरह होता है अनुवादों के माध्यम से, जब वह साहित्य विभिन्न भाषाओं में जब वह साहित्य उपलब्ध होता है तो वह साहित्य किसी न किसी रूप में हमें एक बेहतर या एक कहा जाए कि सामंजस्यपूर्ण समाज के की निर्माण में या सामंजस्यपूर्ण समाज की छवि हमारे समक्ष रखता है, हम एक मनुष्य के रूप में बेहतर मनुष्य का निर्माण हो पाता है। तो अनुवाद किस प्रकार से सांस्कृतिक आदान प्रदान के का काम करता है, इस रूप में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और खास तौर पर हमारे चर्चा के केंद्र में ये बिंदु भी रहेगा कि जो साहित्य है, यदि किसी साहित्य का जब अनुवाद किया जाता है तो अनुवाद करते समय अनुवादक या अनुवादिकों को किन किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होती है, खास तौर पर यदि आप एक ऐसे समाज का साहित्य उपलब्ध करवा रहे हैं या अनुवाद कर रहे हैं जो तथाकथित उस समाज विशेष का हाशिया है। तो ऐसे संदर्भ में जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो उसकी भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाती है, और किस प्रकार ऐसे बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद की उपयोगिता देखने को मिलती है। तो पहला बिंदु हमने जैसे लिखा कि ज्ञान को मुक्त करने के संदर्भ में अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज एक वैश्विक मनुष्य होने के नाते हम जानते हैं कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी जो साहित्य लिखा गया, विभिन्न वैश्विक भाषाओं में जो विदेशी भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया, वह भी हम तक किस तरह अनुवाद के माध्यम से पहुंच जाता है। तो अनुवाद मूलतः यहाँ पर ज्ञान को मुक्त करने का काम करता है। और यदि हम इसे अपने भारतीय संदर्भ में यदि समझें तो हमारा जो पूरा मध्यकाल का जो एक समय है वो किस प्रकार ज्ञान को मुक्त करने का ही एक तरह से विशेष समय के रूप में रेखांकित किया जा सकता है, जब संस्कृत में संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य तक जो ज्ञान की जो परंपरा या जो ज्ञान की जो संपदा जो एक तरह से सीमित थी या बंद थी, उस वो किस तरह मध्यकाल में जैसे हम आधुनिक भारतीय भाषाओं का काल कहते हैं, उस समय वे साहित्य खुलकर विभिन्न भारतीय भाषाओं में आता है, और वहीं से हम अपने समाज में एक तरह से बहुसांस्कृतिक समाज के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार वह पूरा का पूरा जो काल है, जब वो जो पूरा का पूरा जो कालखंड है उसमें जिसमें जब विभिन्न भारतीय भाषाओं का उदय हो रहा था, भ्रंश से टूटकर जो विभिन्न भारतीय भाषाएं निकल रही थी वो किस प्रकार अनुवादों के माध्यम से अपने आप को समृद्ध कर रही थी, और जो ज्ञान का जो सीमित खजाना था या जिसको कहा जाए कि ज्ञान जो एक सीमित वर्ग तक जो सीमित जो संरक्षित था वह किस तरह आम जन तक आम जन की भाषा में अनुवाद के माध्यम से पहुंचता है। तो ज्ञान इस तरह से साहित्य अनुवाद इस तरह से ज्ञान को मुक्त करने का कार्य करता है, जिसे हम न केवल मध्यकाल में समझ सकते हैं और ना अभी तो हम यदि हम आधुनिक काल में भी इसे समझने का प्रयास करें तो किस प्रकार अनुवाद की जो एक लंबी परंपरा हमें या अनुवाद की एक जो बहुत ही गतिशील परंपरा हमें आधुनिक काल में देखने को मिलती है, जहाँ व्यापक स्तर पर भारतीय भाषाओं के भीतर और विदेशी से भारतीय से विदेशी भाषाओं के भीतर भी प्रचुर मात्रा में अनुवाद किया गया, और हम उस संदर्भ में यदि देखें तो भारत का स्वाधीनता संग्राम भी कहीं ना कहीं अनुवाद से ही कहीं ना अनुवाद का ही एक तरह से कह सकते हैं अनुवादों के प्रभाव से ही हम उसका उस अनुवाद का भी प्रभाव हम उस पर देख सकते हैं, जैसे हम राष्ट्र निर्माण में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को देख सकते हैं। तो किस प्रकार अनुवाद ज्ञान को मुक्त करने का कार्य करता है, यह हम अपने भारतीय संदर्भ में आधुनिक काल में भी हमें इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलते हैं, मध्यकाल में भी देखने को मिलते हैं, और वैश्विक स्तर पर भी यदि हम देखें तो ज्ञान का जो खजाना है विभिन्न भाषाओं में जो अपनी भाषाई सीमा होने के कारण जो सीमित रह जाता है, अनुवाद उन्हें वहाँ से मुक्त करने का प्रयास करता है। तो किस प्रकार अनुवाद ज्ञान को न केवल बहुआयामी बनाता है बल्कि उसे बहुराष्ट्रीय और कहा जाए कि उसे कालजयी बनाने का प्रयास करता है। दूसरा, अनुवाद का जो महत्वपूर्ण भूमिका बहुसांस्कृतिक समाज के अनुवाद के संदर्भ में यदि हम समझें वह समतावादी समाज की स्थापना के संदर्भ में, यदि हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो जैसा कि हमने संस्कृति को समझने के संदर्भ में कहा था कि जब हम किसी संस्कृति में जब हमारा जन्म होता है या किसी संस्कृति से जब हमारा एक अपना घनिष्ठ संबंध होता है उस संस्कृति में जन्म होने के कारण या उस संस्कृति के लोगों से ही एक लंबे समय तक घिरे रहने के कारण, तो हम अपनी संस्कृति अपने समाज अपनी मान्यताओं अपनी आस्थाओं अपने बिलीव्स सभी को महत्वपूर्ण मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारा जो सोचने का नज़रिया है या हमारा जो काम करने का जो तरीका है हमारी जो मान्यताएँ हमारी जो परंपराएँ हैं वे श्रेष्ठकर हैं और दूसरी संस्कृति या दूसरे समाज उसके सामने हमें नकारात्मक या कम महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। लेकिन जब हम अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के समाजों से परिचित होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के समाज के साहित्य से परिचित होते हैं, उस साहित्य के माध्यम से हम वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक बुनावट से परिचित होते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि केवल एक संस्कृति या एक समाज ही
इस धरती पर नहीं है, विभिन्न संस्कृतियाँ और विभिन्न समाज और विभिन्न मान्यताएं या आस्थाएं भी एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं। तो इस तरह से अनुवाद एक समतावादी समाज की स्थापना का भी कार्य करता है, जहाँ हम न केवल विभिन्न साहित्यों को पढ़ते हैं, बल्कि उन साहित्य को पढ़ने के माध्यम से हम विभिन्न समाजों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। और ख़ास तौर पर हम यदि इसकी बात इस तरह से करें कि यदि हम भारत में रहकर या हम अमेरिका में रहकर या किसी एक यदि हम किसी विकसित देश की बात करें, तो हम जब किसी विकसित देश में हैं और विकसित देश में रहकर हम विकासशील समाज के साहित्य को यदि जब हम पढ़ते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि समाज इस तरह का भी होता है, या इस तरह के लोग, या इस तरह की व्यवस्थाएं, या इस तरह की मान्यताएं, या इस तरह की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या भौगोलिक परिस्थितियां भी होती हैं, जिनके कारण किसी समाज का विकास या तो कम हो पाता है या नहीं हो पाता है, या बहुत सारे अन्य कारण हैं जिसके माध्यम से हम उस समाज के विभिन्न पक्षों को जान पाते हैं। यदि हम लैटिन अमेरिकन लिटरेचर को यदि हम पढ़ रहे हैं, यदि हम अश्वेत साहित्य को पढ़ रहे हैं, यदि हम दलित साहित्य को पढ़ रहे हैं, स्त्री साहित्य को पढ़ रहे हैं, या विभिन्न समुदायों के या अस्मितावादी साहित्य को यदि हम पढ़ते हैं, तो अपनी जातीय अहंकार से बाहर निकलने में इस तरह का साहित्य हमें मदद करता है, और हम एक ऐसे समतावादी समाज की स्थापना की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हम दूसरी संस्कृति को यदि पूरी तरह न भी स्वीकार कर रहे हो, तो हमें एक तरह की गहनशीलता की क्षमता बढ़ती है, और हम ये महसूस कर पाते हैं कि जो विभिन्न हाशियागत जो समाज है, या विभिन्न जो अल्पसंख्यक समाज है, या कहा जाए कि जो लेस प्रिविलेज समाज है, जिसको जिसको एक तरह से कहा जाए कि कम सुविधाएं मिली, जिसके पास कम मौके मिले विकास के, तो वे समाज भी किस तरह से एक सी धरातल पर है, और उन संस्कृतियों और समाजों के साथ किस तरह से सामंजस्य बनाया जाए, किस तरह से उनकी समस्याओं को समझा जाए, किस तरह से अपने समान और दूसरी संस्कृतियों को सम्मान दिया जाए, और ये महसूस किया जाए कि जो संस्कृतियाँ होती हैं वो नैसर्गिक नहीं होती हैं, वो एक तरह से हमारी जो जो परंपरागत जो हमारा विकास क्रम है उसके माध्यम से बनती हैं, और वे संस्कृतियों के निर्माण के पीछे हमारा पूरा परिवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि किसी संस्कृति को देखकर हमें उसको उसके भीतर के जो तत्व हैं हमें अपनी संस्कृति से यदि कमतर लगते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है, और यदि हम इस तरह से यदि हम उसका अध्ययन कर पाते हैं, तो हम ज़्यादा तटस्थ या निष्पक्ष रूप से उस संस्कृति पर विचार कर पाते हैं, और उतने ही तटस्थ और निष्पक्ष रूप से हम अपनी संस्कृति को भी देख सकते हैं और बेहतर रूप से उसकी आलोचना कर सकते हैं या उसकी विवेचना कर सकते हैं। तीसरा है अल्पसंख्यक तथा दमित समाज को आवाज़ देने के संदर्भ में अनुवाद। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है, बहुत इम्पोर्टेंट लेख है गायत्री चक्रवर्ती स्पीक वॉक का, जिसमें वे पूछती हैं कैन द सबाल्टन स्पीक। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु वे उठाती हैं कि क्या सबाल्टन यानी कि जो हमारे समाज का हाशिया है, जो हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग है, क्या उसके पास अपनी बात कहने का अधिकार है। तो ये बात कहने का अधिकार हम कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण के बाद संविधान में विभिन्न जातियों, समुदायों या विभिन्न सामाजिक धार्मिक वर्गों को जब समान रूप से अधिकार दिया गया, तो समान रूप से अधिकार देने के बाद उनका उनका उनके जीवन में एक विकास क्रम देखने को मिला, और उसके बाद उनके उनका जो अपना साहित्य निर्माण हुआ, वे साहित्य निर्माण के माध्यम से उन्हें भी अपनी आवाज़ मिली, वे भी अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से कह पाए। तो जिस इतिहास की हम चर्चा करते हैं, कि कोई इतिहास या किसी सत्य की जब हम चर्चा करते हैं, जैसा कि दरिदा भी कहते हैं कि सत्य कोई एक नहीं होता, हम किसी एक सत्य की बात नहीं कर सकते, सत्य की परिभाषा या सत्य की जो अवधारणा है, जैसा कि फूको कहते हैं इतिहास की जो अवधारणा है वह केवल एक अवधारणा नहीं है, या कोई एक कहा जाए कि एक एब्सोल्यूट ट्रुथ या एब्सोल्यूट हिस्ट्री जैसी कोई चीज़ नहीं है, वह जितनी आवाज़ें होंगी उतनी आवाज़ों के हिसाब से सत्य भी बदलेगा और सत्य के अर्थ भी बदलेंगे। तो इस तरीके से यदि हम अधिक से अधिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, हम विभिन्न भारतीय विभिन्न अनुवादों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के साहित्य को जानते हैं, विभिन्न भाषाओं के साहित्य के माध्यम से हम वहाँ के विभिन्न समुदायों की का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हमारे अपने ही समाज में हमारी अपनी ही कुछ मान्यताओं के चलते या समाज के इस तरह की निर्मिति के कारण बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को हाशिए पर महसूस करता है, तो उस हाशिए की आवाज़ जब आपके पास पहुंचती है, चाहे वह साहित्य निर्माण के माध्यम से हो, चाहे वह अनुवाद के माध्यम से हो, तो मूलतः अनुवाद या साहित्य वहाँ पर अल्पसंख्यक या दमित समाज या हाशिए का समाज, जिसे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक सबाल्टन कहती हैं, उसकी आवाज़ का काम करता है। तो इस प्रकार अनुवाद के माध्यम से हम न केवल सांस्कृतिक रूप से विकसित होते हैं, बल्कि मनुष्य के रूप में भी अधिक संवेदनशील होते हैं, और एक ऐसा वर्ग जो अभी तक जिसके पास अपनी जबान नहीं थी, या कहा जाए कि जिसकी बात को अभी तक सुना नहीं जा रहा था,
अनुवाद के माध्यम से, साहित्य निर्माण के माध्यम से वे आवाज़ें या वे हाशियागत वर्ग भी अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त करते हैं और अनुवादों के माध्यम से विभिन्न समाजों से समृद्ध होते हैं। तो हम इस संदर्भ में यदि देखें तो जो अनुवाद की जो उपयोगिता है ऐसे समाजों में, और ख़ासतौर पर जब हमने बहुसंस्कृतिवाद की बात की थी, तो बहुसंस्कृतिवाद की जो अवधारणा है, जो एक राजनीतिक अवधारणा कहा जाए या उसे एक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में ही यदि समझा जाए, तो वो विभिन्न संस्कृतियों को साथ लेकर चलने की बात करता है। और यदि हम भारतीय संविधान की यदि चर्चा करें तो भारतीय संविधान में भी विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न मान्यताओं, धर्मों, आस्थाओं आदि को साथ लेकर चलने की व्यवस्था की गई है। तो इस संदर्भ में जब हम विभिन्न अस्मिताओं को विभिन्न विभिन्न समूहों और समुदायों के साथ विकास की जब हम बात करते हैं, तो किस तरीके से वो एक तरह से एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जो अधिक संवेदनशील हो सकता है, जिसका कि चर्चा भिखू पारख भी अपनी मानवतावाद के नज़रिए के संदर्भ में जब बहुसंस्कृतिवाद की बात करते हैं, तो किस प्रकार यदि हम दूसरी संस्कृति के प्रति संवेदनशील होते हैं, ग्राह्य होते हैं, यदि दूसरी संस्कृति के लिए को स्वीकार करने के लिए, उसको सुनने के लिए यदि हम तैयार होते हैं, तो किस प्रकार हम एक बेहतर मनुष्य बनते हैं। और न केवल अपनी संस्कृति को हम समृद्ध कर रहे होते हैं, बल्कि हम एक लार्जर सेंस में भी एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे होते हैं। तो अनुवाद इस तरह से ऐसे बहुसांस्कृतिक राष्ट्रों में बहुत सारे हाशियों की आवाज़ का काम करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का जो ये निबंध है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, वह भी इसी तरह के प्रश्न उठाता है कि क्या अनुवाद के माध्यम से, या जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो क्या वह वास्तव में इन अल्पसंख्यकों की आवाज़ भी बनता है या नहीं, जो कि हम बहुसंस्कृतिवाद की जब हम चर्चा कर रहे थे, जब बहुसंस्कृतिवाद के विपक्ष में जब हम तर्क की बात कर रहे थे और हमने सुजन मोलर और किन के महत्वपूर्ण निबंध की भी चर्चा की थी, तो किस प्रकार एक ऐसा समाज जो अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं में विश्वास रखता है, लेकिन सांस्कृतिक मान्यताओं में विश्वास रखने के साथ साथ क्या वह अपनी संस्कृति के भीतर के गुणों अवगुणों की तलाश कर सकता है या नहीं। तो यदि हम विभिन्न साहित्यों के, विभिन्न संस्कृतियों के अनुवादों को पढ़ते हैं, अपनी ही संस्कृति में के विभिन्न समुदायों की जो का पक्ष या उनकी आवाज़ या उनके इतिहास या उनकी लोक कथाओं, उनके लोकगीतों को हम सुनते हैं, तो हम बेहतर तरीके से उन्हें समझ पाते हैं और एक तरह से हम एक बेहतर समाज के निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार ऐसे बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवादक अनुवादिका की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, और उनके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि जब वे ऐसे साहित्य का अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय उन किन किन चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम एक ऐसे समाज का या एक ऐसे साहित्य का अनुवाद करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सबाल्टर्न लिटरेचर है या हाशिए का साहित्य है या जिसको हम अस्मितावादी साहित्य कहते हैं, तो इसकी जो भाषा है, इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो अभिव्यक्तियाँ हैं, इसकी जो अनुभूतियाँ हैं, वे सब वे अनुभूतियाँ हैं जो हमारे तथाकथित मानक जो एक समाज निर्माण है उससे अलग है। क्योंकि इनकी आवाज़ पहली बार साहित्य में सुनाई दे रही है, पहली बार एक बड़े स्तर पर सुनाई दे रही है। तो जब ऐसे साहित्य का जब अनुवादक या अनुवादिका अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद करते समय उन्हें न केवल दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि जिस समुदाय विशेष का भी अनुवाद कर रहे हैं उस समुदाय विशेष के प्रति भी संवेदनशील होकर और तटस्थ होकर बेहतर तरीके से उनकी समस्याओं को समझना होगा, और समझकर जिन शब्दों का प्रयोग वे कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का वे प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा को अनुवाद में कैसा उतारा जाए, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है। तो जब हम इस तरह का साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वे दलित साहित्य हो या स्त्री साहित्य हो या आदिवासी साहित्य हो, या हम अश्वेत साहित्य की बात करें, या बहुत सारे जिसको भी आज हम कह सकते हैं किसी भी समाज का जो हाशिया हो सकता है, तो जब हाशिए के साहित्य का अनुवाद किया जाता है, तो हाशिए के साहित्य का अनुवाद करने के साथ उसके अनुवाद के पैरामीटर्स भी अलग होंगे, जिस पर अनुवादक अनुवादिका को विचार करने की ज़रूरत है। और हमने पहले के सत्रों में इस पर चर्चा भी की थी कि किस प्रकार जब हम इस तरह का साहित्य का अनुवाद करते हैं जिसकी भाषा तथा कथित जिसके ऐसे प्रयोग जो उनके अपने कल्चरल या उनके अपनी सांस्कृतिक अनुभूतियों या उनके अपने जिए गए अनुभवों से उद्भूत ऐसे शब्द हैं जो हमारे मानक शब्दकोशों में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे शब्दों के साथ, ऐसी अवधारणाओं के साथ न्याय करने के लिए अनुवादक और अनुवादिका को अपने टूल निर्मित करने होंगे या एक ऐसी रणनीति तय करनी होगी कि किस प्रकार अनुवाद भी किया जाए, अनुवाद करते समय जिस समाज विशेष की चर्चा या समाज विशेष की जिस खास अनुभूति की चर्चा यहाँ विशेष रूप से उपयोगी है या चर्चा के योग्य है, उसका भी निर्वाह किया जा सके, जिसकी ओर
विभिन्न अनुवादकों ने या विभिन्न अनुवादचित्रकों ने जिसकी ओर संकेत किया है, जिसके बारे में हम पहले भी विभिन्न सत्रों में पढ़ चुके हैं, जैसे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक माँ श्वेता देवी के साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में कहती हैं, या लॉरेंस वेनुटी जब ट्रांसलेटर की विजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इस तरीके से बहु सांस्कृतिक समाज में अनुवाद की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ वे केवल भाषाओं का ही व्यापार नहीं करते बल्कि संस्कृतियों के आदान प्रदान के बीच में बहुत संवेदनशील तंत्र के रूप में, एक संवेदनशील सेतु के रूप में उनकी भूमिका होती है। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता है संदर्भ में, वह है साहित्य के पुनर्जीवन के संदर्भ में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम पहले भी इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि वॉल्टर बेंजामिन का जो बहुत महत्वपूर्ण निबंध है टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर, उसमें अनुवाद को आफ्टर लाइफ कहते हैं, यानी कि अनुवाद के माध्यम से एक लिखित साहित्य को उसका पुनर्जीवन मिलता है। जब कोई साहित्य किसी एक भाषा में लिखा जाता है तो एक भाषा में लिखा जाने के कारण वह एक भाषा का साहित्य होकर रह जाता है। यदि वह अनुवाद हो जाता है और अनुवाद के माध्यम से वह लार्जर समाज तक पहुंचता है, व्यापक समाज तक जब उसकी पहुंच होती है, तो वो अपनी आफ्टर लाइफ यानी पुनर्जीवन को जी रहा होता है। और जितनी बार वो अनुवाद होता है उतनी उतनी बार उसका जीवन, उसे पुनर्जीवन मिलता है। तो इस प्रकार बहु सांस्कृतिक समाज में अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न समाजों की मांग होता है, और विभिन्न समाजों विभिन्न संस्कृतियों में जब साहित्य जाता है तो अनुवाद और अनुवादिका की अनुवाद और अनुवादक अनुवादिका की भूमिका से वह साहित्य भी एक तरह से बार बार पुनर्जीवन प्राप्त करता है और बहुआयामी होता चला जाता है। क्योंकि जिस भी समाज में वह जाएगा उस वह समाज या वह संस्कृतियाँ उसकी अपनी व्याख्या, अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपनी एक तरह से कहा जाए सामाजिक और जो उनकी अपनी मानसिक बुनावट है उसके अनुसार वे उसका अर्थ करते हैं। तो इस तरीके से बहु सांस्कृतिक समाज किस प्रकार अनुवाद के लिए दरवाजे खोलता है, किस प्रकार अनुवाद के क्षेत्र में बहु सांस्कृतिक समाज में अनुवादक और अनुवादिका की कितनी क्या उपयोगिता है और उनसे क्या क्या अपेक्षाएं की जाती है, इन सब के भी ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है। विभिन्न समाजों, जातियों, नस्लों, संस्कृतियों आदि के विषय में संवेदनशीलता पैदा करने के संदर्भ में, और जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य पुनर्जीवन का काम करता है, ये पुनर्जीवन जितनी बार होता है, जितनी बार आप एक तटस्थ अनुवादक या अनुवादिका के रूप में जब किसी साहित्य का अनुवाद कर रहे होते हैं, तो अपनी इस प्रवृत्ति में आप जिस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से आप उस पाठ का अनुवाद करते हैं, उसके माध्यम से आप वह समाज जो किसी कारण से या किसी तरह के पूर्वाग्रह से किसी समाज में या समुदाय में उसकी एक खास परिभाषा या एक खास नकारात्मक अर्थ यदि तय हुआ, तो अनुवाद या अनुवादिका या अनुवाद की जो पूरी जो प्रक्रिया है उसको उस दुराग्रहों से या पूर्वाग्रहों से भी मुक्त करता है और उसे एक स्वतंत्र पाठ के रूप में स्थापित करने का काम करता है। तो इस तरीके से जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत स्नेक चार्मर्स का देश है, यानी सपेरों का देश है। यदि भारत का साहित्य सही तरीके से इसका यदि अनुवाद होता है, तो भारत के भीतर जो सृजनात्मक साहित्य लिखा गया है, जो ज्ञानात्मक साहित्य लिखा गया, यदि वह सही तरीके से विभिन्न हाथों में पहुंचे या विभिन्न समाजों तक ये उसका प्रसार प्रचार हो, तो एक जो कहा जाए कि जो पूर्वाग्रह निर्मित किसी समाज के लिए किया जाता है वह भी टूटता है उस क्रम में। और इसी तरीके से हम किसी जाति, किसी धर्म के प्रति हम अपने मन में कोई पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, तो उस अनुवाद के माध्यम से, उसके साहित्य के माध्यम से या उसके समाज के जो विभिन्न जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो जो साहित्य के संदर्भ में या ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में जब हम उसे पढ़ते हैं, तो उस समाज के प्रति जो हमारे जो पूर्वाग्रह थे, जो हमारी जो एक पूर्व धारणाएँ थी, वह भी टूटती है। तो किस प्रकार अनुवाद वहाँ पर समाजों को अधिक संवेदनशील बनाने का काम भी करता है, जब वे विभिन्न जातियों नस्लों के प्रति जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें तोड़ने का कार्य करता है। अब इसके साथ ही बहु सांस्कृतिक समाज में अनुवादक अनुवादिका से कुछ अपेक्षाएँ भी की जाती हैं। अनुवाद के प्रसंग में बहु सांस्कृतिकता से जुड़ा एक और पहलू यह है कि अनुवादक को जब तक स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा से जुड़ी हुई संस्कृति का पूरा ज्ञान नहीं होगा, वे अच्छे अनुवाद नहीं कर सकते। स्रोत भाषा में उपस्थित पाठ को उसके सांस्कृतिक संदर्भों के साथ समझकर यानी उसे डिकोड करके ही दूसरी भाषा में रिकोड किया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी बायस में न पढ़कर, किसी भी तरह के पूर्वाग्रह में न पढ़कर, या भी किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण तरीके से अनुवाद करके, यदि वे तटस्थ होकर अनुवाद करते हैं तो बेहतर तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। और जैसा कि माना जाता है कि अनुवाद या अनुवादक अनुवादिका का जो ये पूरी कार्य है वह वास्तव में एक सांस्कृतिक सेतु के निर्माण का काम करता है, तो वहाँ उनकी भूमिका अधिक न्याय संगत होगी। सांस्कृतिक संदर्भों को अगर वे स्वयं नहीं समझ पा रहे तो जाहिर है कि वे लक्ष्य भाषा में भी उसे स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह सांस्कृतिक संदर्भों को समझते हुए भी अगर अनुवादकों के पास लक्ष्य भाषाभाषी समाज की संस्कृति के संबंध में इतनी गहरी जानकारी नहीं है कि वे उसमें उन सांस्कृतिक संदर्भों के योग्य
समतुल्य हो सके तो ऐसी स्थिति में भी अच्छा अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हम बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवादक की अनुवादिका की उपयोगिता की बात करते हैं तो उससे अपेक्षाएं ये हैं कि वे दोनों संस्कृतियों को जानते हों, संस्कृतियों की बारीकियों को समझते हों, वे केवल भाषा ही नहीं बल्कि संस्कृति से गहरे स्तर पर सरोकार रखने की जिज्ञासु हों। ऐसे जिज्ञासा होने के चलते ही वे पाठ के मर्म को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाते हैं और उसे दूसरे भाषा भाषी समुदाय तक पहुंचाने में सेतु का काम करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अच्छे अनुवाद के लिए बहुसंस्कृतिवाद का यह आधारभूत विश्वास एक तरह की चालक शक्ति के रूप में उपस्थित रहता है या रहना चाहिए कि सांस्कृतिक विविधता किसी भी समाज के लिए लाभदायी है और इसके लिए समाज में ऐसा उपयुक्त वातावरण तैयार करना जरूरी है जिसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को आदर, महत्व और सहारा देते हुए फले फूले। तो इस तरीके से हमने जाना कि बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद की भूमिका क्या है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें या लिंक्स हैं जिनके माध्यम से आप इनके बारे में और विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि बहुसांस्कृतिकता को लेकर विभिन्न विचारक क्या राय रखते हैं और अनुवाद के क्षेत्र में उसकी क्या उपयोगिता है। धन्यवाद। नमस्कार।